हेलो दोस्तों, मैं कैलाश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से हूँ और आज हम पढ़ेंगे बूटिश वर्डप्रेस का पार्ट नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि थीम को हम कैसे क्रिएट करते हैं और वर्डप्रेस के ऊपर थीम को लगाते कैसे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से गूगल, और अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ से ये डैशबोर्ड है मेरा। तो प्रीवियस पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि पेजेस हमने कैसे क्रिएट किए थे और मेन्यू को कैसे बनाया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें थीम हम कैसे लगाते हैं। तो वर्डप्रेस सीखने का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको कोडिंग से आप बचते हो, कोडिंग नहीं करनी होती है, सीएसएस भी नहीं करनी होती, और ना ही कोई आपको इसमें जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी का कोई ऐसा काम है। बस ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपके सारे प्लगइन। तो इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि थीम को कैसे इंस्टॉल करके हम अपनी साइट पे लगाते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो मैं थीम के ऊपर गया। अब आप प्रॉपरली एक्चुअली में वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग के लिए काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो ब्लॉगिंग थीम, इस पे जाके क्लिक। और भी ब्लॉगिंग के अलावा भी आपको बहुत सारी थीमें लगानी है, तो अगर जैसे ब्लॉग ही लगानी तो आप यहाँ ब्लॉग लिख सकते हो, या यहाँ पे और भी बहुत सारी। एक मैं सिंपल लिख देता हूँ कि भाई मेरे को ब्लॉग मैंने बनाया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लॉग थीम। बाकी अगर आप ई कॉमर्स के लिए बना रहे हो, फर्नीचर्स के लिए बना रहे हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हो, या किसी के लिए बना रहे हो, तो आप यहाँ पे वो बता सकते हो कि आप प्रॉपरली किसके लिए काम कर रहे हो। तो मैं प्रॉपरली एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये ब्लॉगिंग की थीम्स आ चुकी हैं, जिसमें से मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सी थीम यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे इतनी सारी ये थीम्स हैं आ गई हैं, तो इसमें से मुझे जो बेटर लगती है या सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं किसी एक को इनमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, बट जो आपको बेटर लगे। जैसे ये एक थीम है जिसमें यहाँ पे प्रॉपरली आ रही है, पेजेस आ रही है, ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो मैं इसको इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। ये ब्लॉक्स दिखाई देंगे आपको इस तरीके से नंबर्स, तो आपको जो बेटर लगे आप वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। 360 ब्लॉक लाइट्स इस थीम का ये नाम है। तो 360 ब्लॉक लाइट से मैंने से इंस्टॉलेशन इसकी प्रोसेसिंग हो रही है अभी। ये तो आप ये जो प्रोसेसिंग देख रहे हो ये इंस्टॉल हो चुकी है, और इंस्टॉल होने के लिए मैंने इसको एक्टिव पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इसे एक्टिव पे क्लिक किया तो ये मेरी थीम वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, जहाँ पे अभी आप ये वाली थीम देख रहे हो, जो प्रीवियस थीम है। कुछ अभी हमारा जो फ्रंट एंड का यूआई है वो कुछ ऐसे है, यूआई इंटरफेस होता है आपका, यूजर इंटरफेस, तो अभी कुछ को ऐसे दिखाई दे रहा। जब मैं उसे प्रॉपरली अभी यहाँ पे देख सकते हो, कस्टमाइज देखोगे अगर आप इस पर क्लिक करोगे, तो कस्टमाइज में आप अपने अकॉर्डिंग हेडर, फुटर या मेन्यू जो आपने बनाए हैं, तो आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हो इसमें जाके। तो यहाँ पे ये साइट आइडेंटिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये नाम आ रहा है जस्ट एन अदर साइट्स, तो ये 360 आ गई है, आप प्रीव्यू देख सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले अभी कुछ ये यूजर इंटरफेस आपका जो है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद, एक्टिव होने के बाद कैसे दिखाई देता, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये आपके पेजेस आ गए, और जो आपने ब्लॉग बनाए थे वो आपके ये प्रॉपरली तरीके से ब्लॉग आ गए। तो ये मतलब पहले से काफी बेटर लग रहा है, और आप यहाँ पे कमेंट्स या कुछ देना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो दे सकते हो, ये एप्पल्स हैं, ये आपके बारे में है। तो ये मतलब आपने जो काम किया था वो आपका। अब जैसे ये आ रहा, तो कस्टमाइज का बेसिकली पर्पज है कि मुझे इसे हटाना है नीचे के ये कुछ, जैसे कि भाई ये चीज है अचीवर्स, इसको हटाना है, और ये मेटा वगैरह है ये मेरे को हटाना है, तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज में जाके इन्हें हटा सकता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे प्रीव्यू, और ये है, तो जस्ट एन अदर साइट को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, और मैंने यहाँ से इसे पब्लिश कर दिया, तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ से रिमूव हो गई। तो बेसिकली कस्टमाइज में आप कलर्स पीछे का दे सकते हो, जैसे कोई कलर्स देने हैं आपको यहाँ पे, तो ये कलर्स हैं, तो आप देख रहे हो कि ये कलर्स आपको किस में देने हैं, डिफॉल्ट देने हैं, यहाँ पे पिंक देना है या पर्पल देना है, जो भी है, सो आप यहाँ से वो कलर्स दे सकते हो। अब आपको मेन्यूज में जाके कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे सॉफ्टवेयर के जो मेन्यूज हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेन्यू कैटेगरीज हैं जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कस्टमाइज में जाके प्रॉपरली तरीके से हर एक चीज को, हेडर है, बिल गेट्स है, बिल गेट्स में मैं जाके जैसे ब्लॉक साइडर है। अब जैसे मुझे यहाँ से मेटा हटाने हैं, आप ये देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेटा है इनका कोई यूज नहीं है, अभी कोई यूज नहीं है, बट आगे अगर आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कुछ जरूरत है तो आप इसे, तो मैंने मेटा पे क्लिक किया, और आप देख रहे हो कि यहाँ से ये मेटा रिमूव हो गया, अब आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पे।
तो इस तरीके से आप यहाँ से कस्टमाइज में प्रॉपरली आप एक पूरी डायरेक्टली तरीके से एडमिन कर सकते हो इसमें। तो मैंने पब्लिश कर दिया और मैं यहाँ पे जाके दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश तो ये साइड भी हट जाएगी आपकी, यहाँ से वो हट गई और डायरेक्टली आपके जो मैट आ रहे थे वो भी हट गए। तो थीम किस तरीके से क्रिएट करते हैं हमने इस पार्ट में पढ़ा, को थीम को लगाना कैसे और प्रॉपरली उस थीम को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। अब जैसे ये सर्च बटन आ रहा है, तो अगर मुझे भाई यहाँ पे जैसे एप्पल सर्च करना है, तो AWP मैंने एप्पल लिखा और सर्च बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया, ये मेरा एप्पल आ गया। बट अभी पिक्चर ऐड नहीं हुई, तो पिक्चर क्योंकि मैंने अभी कैटेगरीज में उसमें काम नहीं किया था, तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस पर काम करेंगे। तो एप्पल के बारे में यहाँ पे आ गया। एडिट पोस्ट पे जाके अगर कुछ मुझे एडिटिंग करनी है या थीम्स के बारे में, जैसे ये कैटेगरीज हैं, अपडेटेड एक्स वगैरह है, और मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ अपडेट ये होगी, और यहाँ पे साइट पे जाके मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ दोबारा से लिखता हूँ मैं एप्पल, तो अब मैं सर्च करता हूँ इसे और देखता हूँ कि अभी भी इसकी पिक्चर नहीं आई, शायद कुछ गड़बड़ी हो गई होगी इसमें। सो GREPES ग्रेप्स, और मैं इसको भी सर्च करके देखता हूँ। तो ग्रेप्स आ रहे बट पिक्चर नहीं आ रही, तो शायद कुछ ब्लॉक में गड़बड़ी हुई होगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अभी नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें हमने पढ़ा कि सर्च कैसे करते हैं, थीम्स को लगाते कैसे हो, कस्टमाइज कैसे करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।